तो सर 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 जल्दी बताओ क्या पढ़ाने वाले हो। कुछ तो दिख रहा है सर बोर्ड पे, ये क्या है सर? ये मत बताओ सर कि हमको ये याद रखना पड़ेगा, इसको करो, ऐसा मत बोलो सर। और ये कुछ तो फॉर्मूले जैसा दिख रहा है क्या सर? अरे हाँ यही फॉर्मूली है, अगले फॉर्मूले। सर आप तो बोले थे फॉर्मूले डिफिकल्ट नहीं है, तो दिखने में तो बहुत ये डिफिकल्ट लग रहा है सर, कैसे याद रहेगा ये, हमसे नहीं हो पाएगा सर। अरे रुको भाई, रुको रुको जरा रुको, मैंने कुछ बताया अभी तक? नहीं बताया ना। खुद से कुछ मत समझो, कुछ मत सोचो, आपको कुछ भी पता नहीं है। मैं कुछ बताऊंगा, पहले जान दो बाद में बोलो, ठीक है? ओके ओके सर, चलिए सर। तो ये छह फॉर्मूले है। अच्छा ओके, तो सबसे पहले बता दूं, ये छह फॉर्मूले जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करनी, मतलब यहां तक। क्यों क्यों सर? ये देखिए, यहां पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, इसमें है क्या स्क्वायर रूट? नहीं है, नहीं है, नहीं है, बराबर। तो ये तीन जो फॉर्मूले है ये रूट वाले बोलेंगे। किसको, कैसे बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, समझ में आया? ये कौन से फॉर्मूले है? ये तीन, ये रूट वाले कौन से फॉर्मूले? रूट वाले। और ये जो तीन है ये कौन से है सर? ये बिना रूट वाले, ये कौन से है? बिना रूट वाले, बराबर। रूट वाले तीन, बिना रूट वाले तीन, रूट वाले तीन, बिना रूट वाले तीन। इतना तो समझा, इसमें अभी तक कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब पहले रूट वाले देखते हैं। अब यहां पर देखो, ये आगे का कुछ मत देखो, यहां पर देखो रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये इधर किया, बराबर। और यहां पर क्या है, इधर दो माइनस है, वही लिखा है, बस माइनस की जगह पे प्लस डाला, बराबर। टर्म्स कौन सी है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये दो टर्म को क्या किया, पहले ए स्क्वायर को लिया माइनस डाला, फिर एक्स स्क्वायर को पहले लिया माइनस है बीच में, फिर दोनों के बीच में प्लस डाला। प्लस वाले दो क्यों नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम ही होता है, लेकिन माइनस है बीच में तो अलग अलग होता है, इसलिए दो माइनस वाले दो और एक प्लस वाला, बराबर। ओके इतना तो समझ में आ गया सर कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है सब जगह पे। यहां पर भी देखिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, यही दो टर्म्स है सारे फॉर्मूला में, बस माइनस वाले दो है और प्लस वाला एक है। यहां पे भी माइनस वाले दो है, प्लस वाला, ये सब सेम है। लेफ्ट साइड देखो, इक्वल टू के इधर का देखो, सब सब सेम है, बस ये तीनों में, ये तीनों में रूट नहीं है, लेकिन कंटेंट तो अंदर का सेम ही है इधर, बस इसको अगर रूट पहनाऊंगा तो ये तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। तो लेफ्ट साइड याद रखने में कोई दिक्कत, मतलब मैं बताऊंगा बाद में आपको याद कैसे रखना है, इसके ऊपर हम ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट लेटर क्या है, सबसे पहला ए, ए से स्टार्ट होता है, ऐसे ध्यान में रखो, बराबर। तो ए स्क्वायर माइनस क्या बचा, एक्स स्क्वायर ही होगा ना, बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में है सब कुछ। तो बाद में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाद में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर। तो और वही तीनों इधर ही है, लेकिन इसमें रूट है और इसमें रूट नहीं है, बस इतना फर्क है। अब देखते हैं राइट साइड। अब राइट साइड के लिए हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा ये क्या है। जब ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। मतलब क्या है, यहां पर लॉग लिया एक्स, लॉग एक्स प्लस इसको उठा के इधर डाला है, बात खत्म। यहां पर भी वही किया है, इसको उठा के इधर डाला है, बात खत्म। नया कुछ है क्या, लॉग एक्स प्लस वो उसको उठा के इधर डाला, ठीक है। अब इसको देखते हैं, वन अपॉन टू ए, और इधर भी वन अपॉन टू ए, माइनस वाले जो दो है वो दोनों में वन अपॉन टू ए तो कॉमन है। अब यहां पर क्या है, ए माइनस एक्स में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जो डिनोमिनेटर में है वो ही इधर है, खाली स्क्वायर हटाया, जो डिनोमिनेटर वाला है वही उधर, लेकिन यहां पर क्या किया, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में डाला। देखो दोनों में फर्क क्या है, जो डिनोमिनेटर में है वो ये डिनोमिनेटर में ही है, देखिए मतलब ये सीधा है और ये उल्टा है, बराबर। देखिए क्योंकि नीचे का जो था वो ऊपर डाला,
x माइनस ए नीचे है ना, तो यहां पे ऊपर लिखे है, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस रहेगा, ऊपर प्लस है तो नीचे, जो साइन कौन सा बचता है, माइनस ऊपर डाला तो नीचे कौन सा आएगा, प्लस ही आएगा, वही लिखना है बस, साइन प्लस आएगा। तो इसके ऊपर हम एक ट्रिक बनाने वाले हैं, गाना बनाएंगे बार। तो लास्ट में पहले जान दो, मैं ये फॉर्मूला समझ के लो पहले क्या क्या लिखा है, बाद में बताओ। तो अभी माइनस वाले तो हो गए, या प्लस वाला बचाओ, तो प्लस वाले में क्या है, यहाँ पे 2a2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, सिर्फ 1 अपॉन a है, और यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, अब आपको पढ़ना तो आ गया, पढ़ते कैसे ये मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा आपको, थोड़ा अभी 20% तो कम से कम डर चला गया होगा, अरे हाँ इतना भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा बराबर, और चला जाएगा डर, डोंट वरी, आपको मुश्किल थोड़ा भी नहीं लगेगा, और कुछ हम देखेंगे इसके बारे में, ट्रिक बताएंगे मैं आपको, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं कुछ तो लिखूंगा, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, बाद में मैं बताऊंगा वो क्या लिखा है मैंने। यहाँ पे वन में आज लिख रहा हूं, ए मो सी मी आ लो आ लो, ओके, ए मा तू लो, तू लो, ए मा तू लो, ए मा तू लो, सीधा एमा तू लो, सीधा तू लो, उल्टा उल्टा ए ए काना। अभी ये क्या लिखा है पढ़ता हूं, ए मौसी, ए मौसी मतलब क्या, पहले ए है, ए की टर्म है पहले, बाद में माइनस है, मो मतलब माइनस, अब मो क्यों लिखा, क्योंकि मौसी ध्यान में रखने में आसान है, ए मौसी या फिर ए मासी, अब जो भी बोलते, ए मौसी, यस आय है ये, सी मतलब साइन, साइन इनवर्स, ठीक है, और अंदर क्या होगा, एक सपाउन, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला, मी आलो मतलब, मी मतलब माइनस, ए ए मतलब माइनस के बाद ए स्क्वायर है, यहां पर ए मो मतलब ए के बाद माइनस है, ए स्क्वायर के बाद माइनस है, और यहां पर क्या है, माइनस के बाद ए स्क्वायर है, मी आलो, लो मतलब लॉग है। अब आगे का कैसे ध्यान में रखेंगे, ये एक्स है इधर, ये ध्यान में रखेंगे, और ये वाली टर्म कहां से ध्यान में रखेंगे, मैंने अभी बताया, इसको उठा के इधर डाला है, बात खत्म, मी आलो आलो, अब माइनस वाले तो खत्म हो गए, अभी प्लस वाला ही बचेगा ना, कॉमन सेंस है, तो यहां पे आलो, अब ये आलो क्यों लिखा है, ये ए लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान में रहे, रिदम बने इसलिए, ठीक है, आलो फिर से लॉग है, और यहां पे भी जो एक्स है, यहां पे भी एक्स है, और आगे का पार्ट कैसे रखेंगे, ये इधर कॉपी पेस्ट किया, उठा के उधर डालो उसको, ए मोसी मी आलो आलो, अच्छा सिर्फ इतना याद रखो, ए मौसी मी आलो आलो, अच्छा ए मौसी मतलब पहले ए स्क्वायर फिर माइनस, और सी मतलब साइन इनवर्स, और अंदर क्या है, एक्स अपॉन ए, अच्छा हो गया, मी आलो मतलब, मी मतलब माइनस, आलो मतलब ए एलो, ए मतलब क्या, माइनस के बाद ए स्क्वायर, अच्छा, और लो मतलब लॉग, और लॉग के अंदर क्या लिखना था, सर ने बोला था एक्स तो फिक्स लिखना है, प्लस जो भी डिनोमिनेटर है उसको उठा के आगे प्लस करो, अच्छा दूसरा भी हो गया, अब तीसरा फिर से आलो, अभी माइनस वाले हो गए तो बीच में प्लस वाला रहेगा, तो आलो मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लो मतलब फिर से लॉग है, और एक्स प्लस तो फिक्स है, और जो डिनोमिनेटर उसको उठाओ, बात खत्म, तीन फॉर्मूले हो गए, इसको याद रखो, ए मौसी मी आलो आलो, ए मौसी मी आलो आलो, बात खत्म, ए मौसी मी आलो आलो, ए मौसी मी आलो आलो, ओके ओके, अब देख 50% से ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब इसका ए मा, अब ये रूट वाले का हो गया, ए मौसी मतलब मौसी वाले का ना, रूट वाले का,
अब ए मां, ये बिना रूट वाले शब्द हो गए, ए मां से, ठीक है, ए मां तू, तू तू मतलब तू, ए मतलब क्या, ए स्क्वायर के बाद माइनस है, बराबर, और टू मतलब क्या, टू है, यहां पर क्या है, वन अपॉन टू ए है, तो टू जैसे ही याद आएगा आपको समझना चाहिए वहां पर वन अपॉन टू ए है, बराबर, ओके, वन अपॉन टू ए, ए मां तू लो सीधा, ए मां तू लो सीधा, लो मतलब लो, अब ये सीधा क्या है सर, सीधा मतलब क्या, देखो यहां पर ए माइनस एक्स है डिनोमिनेटर में, ए माइनस एक्स नीचे है, तो यहां पर भी a माइनस एक्स नीचे है, मतलब ये सीधा सीधा है ना, इसलिए मैंने इसको सीधा लिखा है, बराबर, यहां पर जो है वो यहां पर है, ये नीचे है तो ये नीचे ही है, और नीचे a माइनस एक्स है मतलब ऊपर उसका उल्टा होगा a प्लस एक्स, बराबर, कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो यूज करना ही पड़ेगा, तो a मा तू लो सीधा, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सीक्वेंस ध्यान रखो, पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी तीन ही है, और गाना इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ओके, फिर क्या है इसका, तू लो उल्टा, ये क्या है, फिर से तू लो उल्टा, अब यहां पर भी तू है मतलब क्या है, यहां पर टू ए, टू टू क्या है, टू ए, वन अपॉन टू ए, तू मतलब वन अपॉन टू ए, और लो मतलब लो, अब उल्टा, उल्टा क्यों बोला, क्योंकि x माइनस ए नीचे है लेकिन यहां पर x माइनस ए उन्होंने ऊपर डाला, इसलिए इसको मैं उल्टा बोलूंगा, ऊपर x माइनस ए पर नीचे क्या होगा उसका, x प्लस ए सी ए ही होगा, बराबर, जितना ध्यान में रखना है उतना ध्यान में रखो, बाकी सब अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है, कैसे, ऊपर अगर x माइनस ए लिखा है तो नीचे x प्लस ए ही होगा, उतना तो हमने देखा था, बराबर, ओके, तू लो उल्टा, इसका समझा, अब इसका वन अपॉन एक्स क्या बचा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड का ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, राइट साइड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रह ही जाएगा, और इतनी बार इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आप भी करोगे मेरे साथ, कि आपको ये कुछ नहीं लगने वाला है कुछ समय बाद, ठीक है, वन अपॉन एताना, एताना मतलब क्या, यहां पर तू नहीं है, मतलब यहां पर एताना है, मतलब सिर्फ ए है, वन अपॉन टू ए नहीं, सिर्फ वन अपॉन, और ताना मतलब टैन इनवर्स, और टैन इनवर्स ऐसे ही है, वन अंदर में एक्स बाय ए होगा, क्योंकि साइन इनवर्स हो या टैन इनवर्स हो अंदर एक ही है, एक्स बाय ए प्लस सी, प्लस सी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो पूरा कैसे बोलोगे, ए मौसी मी आलो आलो, ए मा तू लो सीधा, तू लो उल्टा, ए ताना, ए मौसी मी आलो आलो, ए मा तू लो सीधा, तू लो उल्टा, ए ताना, बात खत्म। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये गाना गाओ, गाना बोलो, कुछ भी बोलो इसको, मैंने इसको जितना सिंपल तरीके का ट्रिक हो सकता है उतना सिंपल ट्रिक बनाया मैंने, ठीक है, अब ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये फॉर्मूले इतने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं जब पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन जितना सिंपल हो सकता है उतना मैंने बनाया इसको, बस आपको गाना रखना है, अभी बीच का कोई भी उठा लो, अभी मान लीजिए ए मा तू लो सीधा है, ए मा तू लो सीधा, तो ए मा मतलब क्या, ए स्क्वायर के माइनस एक्स स्क्वायर, बिना रूट वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू टू लो, टू लो मतलब क्या, वन अपॉन टू ए, और लो मतलब लॉग, अब सीधा मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ए माइनस एक्स नीचे है तो नीचे ए माइनस एक्स लिखेंगे और उसका उल्टा ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वही नीचे आएगा, नीचे ए माइनस एक्स है मतलब ऊपर ए प्लस एक्स, फिर टू लो उल्टा, टू लो उल्टा मतलब क्या, फिर से टू मतलब वन अपॉन टू ए आएगा, अभी ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बाद क्या सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टू लो उल्टा मतलब क्या, वन अपॉन टू ए, लो मतलब लॉ, उल्टा मतलब क्या, लेफ्ट साइड में जो नीचे है वो उधर ऊपर होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा, लेफ्ट साइड स्क्वायर में है लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो यहां पर क्या होगा, एक्स माइनस ए, और ऊपर एक्स माइनस ए मतलब नीचे एक्स प्लस ए, और एंड में क्या है, एताना, एताना मतलब वन अपॉन ए, ताना मतलब टैन इनवर्स, और इनवर्स आया तो अंदर क्या होगा, x प्लस एक्स अपॉन यही है, क्लियर, तो आई होप आपका पूरा डर गया है, डर जा चुका है, इसको देखने डरना नहीं, मैंने पहले से बोलता हूं आपको डरना नहीं है फॉर्मूला से, मैं थोड़े थोड़े फॉर्मूले लेके आऊंगा लेकिन जितने बिल्टअप होंगे फॉर्मूले उतने हम परफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, अभी तक जो फॉर्मूले हुए हैं आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फॉर्मूले परफेक्ट करनी है, अभी तक जितने जो 7-8-9 पहले दिखे थे वो बेसिक बेसिक वाले और उसके बाद ये आ रहे हैं, ये डेरिवेटिव में नहीं था, ये नया है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको पहले देख लो,
अभी भी अगर आपको कुछ लगे तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एक फॉर्मूला 10 बार लिखो, ये गाना ध्यान में रखो और उसके बाद उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, आपको एग्जाम में भी वो गाना ही ध्यान में रखना है। ए मौसी मी आलो आलो ए माँ तू लो सीधा तू लो उल्टा ये ताना बात खत्म। ए मौसी मी आलो आलो ए माँ तू लो सीधा तू लो उल्टा ये ताना, बस। तो आपको वो दिमाग में लाना है, ए मौसी मी आलो आलो मतलब कैसे दिमाग में, कैसे दिमाग में लाना है वो भी मैंने बताया, मैंने बिना देखे बताया सब कुछ, गाने से कैसे दिमाग में लाना है, ठीक है। सारे फॉर्मूले मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद करना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूँ, आप कहाँ पे डरते हो, क्या किस वजह से आपका हो नहीं पाता है एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्या फायदा, कुछ नहीं करो, लेकिन याद आया तो 100% आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है उस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो साइड में हो रहा हूँ इसको अच्छे से, ये रेड वाला जो लिखा है गाना वो भी लिखना है आपको, फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो, एक लाइन बीच में छोड़ो और वो भी लिखो रेड कलर, आप भी रेड कलर यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में मत करना रेड कलर यूज, ठीक है। तो अच्छे से लिख लो और इसको अभी के अभी आज के आज इसको परफेक्ट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स देखने के टाइम पे मुझे इसमें आपको मतलब याद करना, सर भूल गया कहाँ से याद किया, ये कैसे आया, वैसे ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम करते हुए साइड में रखूंगा मैं, डोंट वरी। और इसको यूज कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब याद रहने के बाद, क्योंकि वही तो हमें एग्जाम में करना है, ठीक है। तो देखते हैं इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करेंगे, ठीक है।